बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात शशम का सबक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह शेराज़ी की हकायतें। जी बच्चों, सबसे पहले इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैंने आपकी आसानी के लिए बोर्ड पर लिख दिए हैं। मैं आपको उनके मायने बता देती हूँ और उसके बाद हम ये सबक शुरू करते हैं। हाज़िक माहिर, अबूर रखने वाला या किसी काम पर अबूर हासिल होना। सहाबा, जिस शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को देखा हो, यानी वो मुसलमान शख्स या अशख़ास जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम को देखा हो। यहाँ एक बात याद रखें कि हम किसी गैर मुस्लिम को या मुशरिक को सहाबी नहीं कह सकते। बातिन, रूहानी या पोशीदा। वाबीला, शोर मचाना। तुर्शरु, सख्त मिजाज। आसूदगी, खुशहाली। दबदबा, रोब। खवास, खास या अहम। हिमायत, तरफदारी। मुखलिस, वफादार। सलोत्री, जानवरों का डॉक्टर। अहलियत, काबिलियत। जी बच्चों, हमारा अभी मैंने आपको बताया कि हमारा तीसरा सबक है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह शेराज़ी की हकायतें। शेख सादी कौन थे? शेख सादी 800 साल पहले ईरान के शहर शेराज में पैदा हुए। शेख सादी मुसन्निफ़ और शायर थे और उन्होंने अपनी शायरी और नसर में बहुत सारी हकायतें बयान की, और उनका इंतकाल भी शेराज़ में ही हुआ, वहीं पर वो दफन भी हुए। अब हकायत क्या होता है? हकायत हिकमत से निकला है, दानाई या जहानत का वाक़या जिसमें अखलाकी पहलू मौजूद हो। इसके अलावा एक चीज़ और कि हकायतों में अमूमन जानवरों या परिंदों को इंसानों की तरह बोलते हुए भी दिखाया जाता है। जी बच्चों, अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। अजम के बादशाहों में से, अजम गैर अरब जो अरब से ताल्लुक़ ना रखता हो, अजम के बादशाहों में से एक बादशाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम की खिदमत में एक हाज़िक तबीब भेजा। तबीब, तिब से ताल्लुक़ रखना, हकीम। वो हकीम हाज़िक चंद साल अरब के शहरों में रहा। इस अरसे में कोई भी शख्स उसके पास बीमार होकर इलाज के लिए नहीं आया। वो हकीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और शिकायत की कि उस ग़ुलाम को ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के इलाज के लिए भेजा गया था। इतनी तवील मुद्दत में किसी ने मेरी तरफ़ तवज्जो नहीं दी, ताकि जो खिदमत बंदे के सुपुर्द की गई थी उसको बजा लाए, उसको पूरा करे। हकीम की शिकायत के जवाब में सरदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस जमात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का एक तरीका है कि जब तक भूख गालिब नहीं होती खाना नहीं खाते, और इससे पहले कि पेट भरे थोड़ी भूख रखते हुए हाथ खींच लेते हैं। हकीम ने अर्ज़ किया, इन हजरात की तंदरुस्ती का यही सबब है। ये कहकर अदब से इजाज़त हासिल करके वापस रवाना हो गया। सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अक्लमंद उस वक्त कलाम करना शुरू करता है या हाथ खाने की तरफ बढ़ाता है जब उसके ना बोलने से खराबी पैदा होती हो या ना खाने से जान पर बन जाती हो। फिर ये भी ज़रूरी बात है कि उसका कलाम हिकमत होता है और उसका खाना तंदरुस्ती पैदा करता है। सेहत कायम रखने के लिए कम खाना बहुत ज़रूरी है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का यही तरीका था। कम खाने से बातिन भी दुरुस्त होता है। जी बच्चों, अगर इंसान कम खाता है या भूख रख कर खाता है तो वो तंदरुस्त तो तवाना रहता है, और कम खाना इंसान के दिमाग को भी तकवियत यानी ताकत देता है, और कम खाने वाले का बातिन भी मजबूत होता है, यानी ऐसा शख्स रूहानी तौर पर भी ताकतवर होता है। जो लोग ज़्यादा खुराक खाते हैं, एक तो मैदे पर बोझ पड़ता है, और दूसरा ऐसे लोग जो हैं वो अपने बातिन को मजबूत नहीं रख सकते, यानी वो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकते, अपने आप को बुरी बातों से, बुरे ख्यालात से नहीं बचा सकते, या वो बुराई की तरफ जल्दी रागिब होते हैं। जी बच्चों, हमारी दूसरी हकायत है कि एक अमीर शख्स कश्ती में सवार हुआ। कश्ती में और लोग भी सवार थे। उस रईस के साथ उसका एक खादिम भी था। उस खादिम ने उससे पहले कश्ती में सफ़र नहीं किया था।
कश्ती रवाना हुई तो खादिम को कश्ती के डूबने का खौफ हुआ। उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई और उसने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मैं डूबा, हाय मैं मरा। खादिम के उस मुतवातर वावीले से रईस की तबीयत मकद्दर हो गई। उसने खादिम को खामोश कराने की बहुत कोशिश की लेकिन बेसूद, मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरे लोगों ने भी उसे चुप कराने की कोशिश की लेकिन वो बदस्तूर अपने डूबने का शोर मचाता रहा। एक दानिशमंद भी उस कश्ती में सवार था। खादिम का रोना धोना बढ़ता ही गया तो उस दानिशमंद ने रईस से कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको खामोश करा दूँ। रईस ने कहा कि ऐसा हो जाए तो आपका बहुत लुत्फ़ करम होगा। दाना शख्स ने लोगों से कहा कि खादिम को दरिया में फेंक दे। चुनांचा लोगों ने खादिम को दरिया में डाल दिया। खादिम ने पानी में चंद बार गोते खाए। लोग उसे बालों से पकड़ कर कश्ती के सामने लाए। वो दोनों हाथों से कश्ती के पिछले हिस्से से लटक गया। जब पानी से बाहर आया तो कश्ती के कोने में खामोशी से बैठ गया। अब उसे करार आ गया था, करार मतलब इत्मीनान। रईस ने ताज्जुब किया और दाना शख्स से पूछा कि इस अमल में क्या हिकमत थी। दाना ने जवाब दिया, खादिम ने डूबने की तकलीफ़ नहीं देखी थी और कश्ती में सलामती की कदर नहीं जानता था। आफियत की कदर वही जान सकता है जो किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए। जी बच्चों, और इस दूसरी हकायत से हमें सबक मिलता है कि उमूमन ऐसा होता है कि लोग नाकदरी और नाशुक्री करते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत आसाइशें और बहुत नेमतें दी होती हैं, उसके बावजूद वो गिला शिकवा करते नज़र आते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनका कभी आजमाइशों से या मुश्किलों से पाला नहीं पड़ा होता, और जब वो किसी आजमाइश या मुश्किल घड़ी से गुजर जाते हैं तो फिर वो कदरदान हो जाते हैं। जी बच्चों, तीसरी कायद है कि लोगों ने हातिम ताई से पूछा, क्या तूने अपने से ज़्यादा बुलंद हिम्मत कोई देखा है या सुना है? हातिम ने कहा, एक दिन मैंने अरब के सरदारों की दावत के लिए 40 ऊंट कुर्बान किए थे। मैं उसी दिन जंगल के एक गोशे में एक ज़रूरत से गया। मैंने एक लकड़हारे को देखा और उसने लकड़ियों का गुट्ठा जमा किया था, बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा बांध लेना, उनका एक बंच बना लेना, गुट्ठा कहलाता है। मैंने उससे कहा, तुम हातिम की मेहमानी में क्यों नहीं गए कि एक मखलूक उसके दस्तरखान पर जमा हुई है। उस लकड़हारे ने कहा, जो शख्स अपने गुट्ठों की कमाई से रोटी खाता है वो हातिम ताई का एहसान नहीं उठाता। मैंने दिल में इंसाफ किया कि मैंने हिम्मत और जवामर्दी में उससे अपने से ज़्यादा पाया। इस शिकायत से मालूम हुआ है कि असली शराफत, जवामर्दी और हिम्मत अपने दस्ते बाजू की कमाई खाना है। जी बच्चों, तीसरी कायद से हमें सबक मिलता है कि जो मज़ा अपने हाथ की कमाई में होता है वो दस्ते सवाल या फिर बग़ैर मेहनत के कुछ मिल जाने में नहीं होता। वो शख्स खुददार था, इसलिए उसने मुफ्तखोरी की बजाय अपनी मेहनत की कमाई से रिस्क हलाल खाना ज़्यादा पसंद फरमाया। हमारी अगली हकायत है कि एक ज़रूरतमंद को कोई ज़रूरत पेश आई। एक आदमी ने उससे कहा कि फ़लाँ आदमी बहुत मालदार और तबीयत का सखी है, अगर तेरी ज़रूरत से वाकिफ़ हो जाए तो यकीनन उसको पूरा करने में देर न लगाएगा। ज़रूरतमंद ने कहा, मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। उस शख्स ने कहा कि चल मैं तेरी रहबरी करूँगा, रहनुमाई करना, रास्ता दिखाना। चुनांचा उस आदमी ने ज़रूरतमंद का हाथ पकड़ा और उस मालदार शख्स के घर ले आया। ज़रूरतमंद ने देखा कि वो शख्स मुंह फुलाए बैठा है, वो ये देख कर उल्टे पांव लौट गया, मतलब फ़ौरन से ही उसे अपनी हाजत नहीं बताई और वापस हो गया और कुछ ना कहा। उस आदमी ने जो उसे लेकर गया था कहा, ये आपने क्या किया? ज़रूरतमंद ने कहा, उसकी अता मैंने उसकी सूरत को बख्श दी। सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अपनी ज़रूरत किसी तुरशरू के पास ना ले जा कि तू उसकी बुरी आदत से तकलीफ़ पाएगा। अगर हाजत किसी के पास ले जानी ही पड़े तो ऐसे आदमी को तलाश करके इससे अपनी ज़रूरत जाहिर की कर जिसका मुंह देखते ही फ़ौरन तबीयत को आसूदगी हासिल हो जाए, यानी उससे मुलाकात करके तबीयत को खुशी हासिल हो और काम भी हो जाए। जी बच्चों, चौथी हकायत भी सबक आमोज है कि अगर इंसान को अपनी ज़रूरत या मजबूरी ऐसे शख्स को बतानी चाहिए जो अच्छा मशवरा दे और वो खुश अखलाक हो,
ताकि अगर उसे ज़रूरत बताई जाए तो वो धुतकारे नहीं या बुरा भला ना कहे। अमूमन ऐसा होता है कि इंसान किसी के पास अपनी हाजत लेके जाता है या उसे ज़रूरत होती है तो वो उस शख्स के पास जाता है और वो बदअखलाक होता है और वो उसको बुरा भला कहकर रुख्सत करता है, या अगर उसकी ज़रूरत पूरी करता भी है तो उसे उसको साथ में ज़रूर कुछ ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता है कि वो शख्स जो है उसको बहुत नाकदरी महसूस होती है। इसलिए जब भी किसी के सामने अपनी ज़रूरत बयान की जाए या कुछ तलब किया जाए तो इंसान के अखलाक के मुताबिक, मतलब अगर वो खुश अखलाक इंसान है, अच्छा अखलाक रखने वाला है, तो ऐसे शख्स को ही अपनी ज़रूरत बतानी चाहिए। अगली हकायत है कि लोगों ने स्याह गोश्त से दरियाफ्त किया कि शेर की मुलाजमत तुझको किस लिए पसंद आई। देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हकायत में अमूमन जानवरों या परिंदों को इंसानों की तरह बोलते हुए दिखाया जाता है, तो यहाँ पर भी यही है। उसने जवाब दिया, इसलिए कि उसका बचा हुआ शिकार खाता हूँ और अपने दुश्मनों के शर से उसके दबदबे की पनाह में ज़िंदगी बसर करूँ। लोगों ने कहा कि अब तो इसकी हिमायत के साए में दाखिल हो गया है, उसकी नेमत के शुक्र का इकरार भी करता है, तो फिर उसके ज़्यादा करीब क्यों नहीं आता कि तुझको भी खवास में ले आए, तुझे भी अपने मुखलिस गुलामों में शुमार करे। स्याह गोश ने कहा कि उसके बावजूद उसकी पकड़ से महफूज नहीं हूँ। दानाओं ने कहा है, दानाओं मतलब समझदार ज़हीन लोग, कि बादशाहों की रंग बरंग तबीयत से बहुत डरते रहना चाहिए, कि एक वक्त में सलाम करने से खफा हो जाते हैं और दूसरे वक्त गालियां खाकर खिल्लत बख्शते हैं। अगर आतिश परस 100 साल तक आग की पूजा करे, लेकिन जब एक सांस के लिए उस आग में गिर जाए तो उसको जला देगी। आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला, आग की परस्तिश करने वाला। जी बच्चों, इस हकायत से ज़ाहिर होता है कि इंसान को अपने हमेशा अपने बराबर के लोगों से ताल्लुकात इस्तवार करने चाहिए, और अगर मजबूरन उसे अपने से मोतबर या दौलतमंद से ताल्लुक़ रखना भी हो तो उसे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, और ऐसे शख्स के दरमियान, अपने और ऐसे शख्स के दरमियान फासला ज़रूर रखना चाहिए, ताकि वो किसी भी वक्त जो है उसे इस चीज़ का एहसास दिला सकता है, या वो शख्स जो है कभी भी इस चीज़ को महसूस कर सकता है कि वो शख्स मोतबर था या ज़्यादा दौलतमंद था, और उसकी उसको अपनी कम अहमियत जो है उसको वो महसूस होगी, ऐसे शख्स को जो कि उस शख्स के सोबत में रहेगा। आखिरी हकायत है कि एक बेवकूफ़ आदमी की आँख में दर्द हुआ। वो एक सलोत्री हैवानात के डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर के पास गया ताकि दवा ले। सलोत्री ने वो दवा जो कि चौपायों की आँख में डालता था उसकी आँख में डाल दी। वो शख्स उस दवा से अंधा हो गया। लोग उसे हाकिम के पास इंसाफ के लिए ले गए। हाकिम ने कहा, सलोत्री का कोई गुनाह नहीं है, अगर ये शख्स गधा ना होता तो सलोत्री के पास ना जाता। मकसद ये कि जो शख्स ना तजुर्बाकार को बड़ा काम सौंप देता है वो शर्मिंदगी उठाता है। हर आदमी हर काम का अहल नहीं होता, काम करने से पहले अहलियत का अंदाज़ा कर लेना चाहिए। सबक की आखिरी हकायत से हमें नसीहत मिलती है कि काम हमेशा ऐसे शख्स को सौंपना चाहिए जो वाकई उस काम में माहिर हो और उसकी अहलियत रखता हो। अगर किसी नाअहल शख्स को काम दिया जाए तो बजाय काम दुरुस्त होने के उल्टा ख़राब हो जाता है। जी बच्चों, ये हमारा आज का सबक था, और जो कि यकीनन आपको समझ में आया होगा। मैंने साथ साथ आपको हर हकायत जो है वो समझाने की पूरी कोशिश की है। इंशाल्लाह अगले सबक में हम अगले लेक्चर में हम इस सबक की मश्क करेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।